अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीन। आप देख रहे हैं कुक विद फरीन। आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन लॉलीपॉप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। पहले हम चिकन को मैरिनेट कर देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चिकन को मैरिनेट कर लेंगे इस सारे मसालों से। मैंने दो छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच नमक, दो छोटे चम्मच ज़ीरा पाउडर, दो छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर, कलर के लिए सेट अच्छा लगता है थोड़ा। और ये मैंने सेज़वान चटनी में थोड़ा सोया सॉस मिला दिया। ये एक बड़ा चम्मच सेज़वान चटनी है, उसके अंदर एक छोटा चम्मच सोया सॉस है। और अब हम मैरिनेट करना शुरू कर देंगे। चिकन ले लेंगे। चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया है। चिकन में अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये फूड कलर को डाल के सारा सब एक साथ डाल के उसे मिक्स करना है। उसको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से पूरा मसाला चिकन में लग जाना चाहिए हर एक जगह। अब इसको आधा घंटा रेस्ट होने देंगे और फिर इसके बाद हम फ्राई करेंगे। अब हम मैदा और ये कॉर्नफ्लावर दोनों आधी आधी कटोरी है और इसमें मैंने फूड कलर लिया है और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाला है और मैं इसका बैटर बना लूँगी। और हम थोड़ा नमक भी डालेंगे बैटर में, तो हम इसका बैटर बना लेंगे। अभी मैंने मैदा डाला, कॉर्नफ्लावर डाल दिया हमने और मैदा भी डाल दिया। दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाए ये हम फूड कलर और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा टेस्ट आए तब सबको मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा। आपका जितना बैटर हो, ज़्यादा हो कम हो, आप उसके हिसाब से नमक डालिए और लाल मिर्ची और ये फूड कलर डालिएगा। मेरा थोड़ा सा बैटर है तो मैंने वो हिसाब से डाला है नमक और फूड कलर। अब मैं इसको अच्छे से एक पेस्ट बना लूँगी। थोड़ा थिक सा पेस्ट रहेगा ये, ताकि हम जो मैरिनेट चिकन है उसको ऐसे उसमें डिप करेंगे और फिर ऑयल में डालेंगे। ये देखिए मैंने बैटर बना लिया है। बिल्कुल इस तरीके का बैटर होना चाहिए हमारा, ताकि चिकन ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। पूरा चिकन में अच्छे से ये पेस्ट जो है वो मिक्स हो जाना चाहिए। ज़्यादा पतला होगा तो चिकन में पकड़ेगा नहीं ये पेस्ट, इसलिए ध्यान रखिएगा एकदम इस तरीके का होना चाहिए हमारा पेस्ट। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ से पकड़ के इस तरह से डिप करेंगे अच्छे से। डालते जाएंगे इस तरीके से, हम पूरे लॉलीपॉप्स को डाल देंगे। देखिए मैंने सारी लॉलीपॉप इसमें डाल दी है। अभी हम इसे थोड़ा दूसरी तरफ से पका लेंगे।
अच्छा ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है चिकन और कलर भी बहुत प्यारा आया है। देखिए चिकन हमारी हो गई है, धीरे धीरे करके हम सारी चिकन एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी चिकन रेडी है, एकदम बाहर जैसी क्रिस्पी, बहुत मज़े की बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए।